तो दोस्तों कई बार आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन YouTube वीडियोस को एडिट करने के लिए बेस्ट है, जो कि आसान है और जिसमें आउटपुट क्वालिटी भी हाई है, यानी हाई क्वालिटी वीडियोस के आउटपुट आपको मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपके लिए लाया हूँ आज वीडियो जिसमें आपको बेस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिसका नाम है Movavi वीडियो एडिटर, जिसको आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितनी कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो एडिट पसंद आती है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, जिसकी कीमत करीब 1800 से 2000 के बीच है। लेकिन अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो इस एप्लीकेशन में, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के आपके वीडियोस होने वाले हैं। अगर आपको एडिटिंग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं आती है और आप बिगिनर हो, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जब एप्लीकेशन को जब ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको फुल फीचर मोड चाहिए, यानी आपको बिल्कुल एडवांस मोड चाहिए, और ये आपको इजी मोड चाहिए, यानी आप बस वीडियोस ऐड करना और अपने आप एडिट हो जाए वीडियोस। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये इजी मोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही आसान है इजी मोड में वीडियोस बनाने। बस दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपको अगर आपको वॉइस ओवर वगैरह करने हैं तब के लिए तो अच्छे नहीं है ये, लेकिन अगर आपको जैसे सिर्फ एक मॉन्टाज टाइप का आपको वीडियो बनाना है, मॉन्टाज टाइप का, और कुछ वीडियोस आपने ऐड कर दिया, उसमें से म्यूज़िक लगाने हैं आपको और ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा ये, और बहुत ही अच्छे से एडिट हो जाएगा। यानी जितना आपको टाइमिंग चाहिए आप टाइमिंग सेट कर दो, यानी कितने टाइम का आपको वीडियो होना चाहिए और आप म्यूजिक लगा दो, बहुत ही कमाल का वीडियो बन जाएगा। ये मैं इजी मोड आपको बाद में दिखाने वाला हूँ, पहले मैं आपको फुल फीचर मोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका मैनुअल की तरह होने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये रहा Movavi वीडियो एडिटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये देखिए आपको मिलेगा साइज़ क्या है, प्रोजेक्ट सेटिंग क्या है, तो आप यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग चेक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो यहाँ नीचे जाकर, और यहाँ पर आप इसका रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हो, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा फुल HD करो, लेकिन अगर आपको साइज़ कम चाहिए तो आप इसमें 1280p भी जा सकते हो, 720p भी जा सकते हो। बाय डिफॉल्ट सेटिंग तो सही होने वाली है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बाकी रेजोल्यूशन आपके हाथों में, आपको जैसा सही लगता आप करो। अब यहाँ पर हम यहाँ पर फाइल आपको ऐड करनी होगी, तो आप यहाँ पर जाएंगे इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में, या फिर आप कर सकते हैं Ctrl+O और इससे आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ ऐड मीडिया फाइल्स में, और अपनी फाइल को यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन करने वाला हूँ, और यहाँ पर आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपको एडिट करना है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ वीडियोस। दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 वीडियो सेलेक्ट करी हैं, तो मेरी यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो टाइमलाइन पर आ गई है। ये एक अनबॉक्सिंग की वीडियो है और मैं इसको अभी एडिट भी कर रहा हूँ और अभी मैं इसको अपलोड भी करने वाला हूँ, तो आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वीडियो कुछ इस तरह से मिलता है, मिलेगा, और आप यहाँ पर कट करना चाहते हो, मैनेज करना पड़ेगा टाइमलाइन में आपको। और इसमें अगर आपको म्यूज़िक ऐड करनी है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐड मीडिया फाइल में जाइए, या फिर आप जाइए इसमें म्यूज़िक वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल के म्यूज़िक्स मिलने वाले हैं, आप यूज़ कर सकते हो, और इस पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने खुद के भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, मैं तो इनमें से म्यूज़िक नहीं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे लायक नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और कि जो मैं अपने चैनल पर जो म्यूज़िक यूज़ करता हूँ मैं वहीं यूज़ करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर और भी सैम्पल वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो आप इनमें से वीडियोस यूज़ कर सकते हो और बैकग्राउंड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर म्यूज़िक जब ऐड करना है तो मैं अपनी म्यूज़िक ऐड करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने म्यूज़िक ऐड कर लिया अपना, और ये रहा हमारा वीडियो। यहाँ पर जो कट करना चाहो तो आपको ऑप्शन नहीं चाहिए, जो आपको वीडियोस नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर कट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर से टाइमलाइन पे जो इंडिकेटर है वहाँ पे ले जाऊँगा और उसको यहाँ पॉज कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पर जाऊँगा, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से कट हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद मुझे यहाँ से मतलब जो पोर्शन जो हटाना है तो मुझे आप टाइमलाइन पर जाके जो आपकी चीज़ें इंडिकेटर है आप उसको ड्रैग कर सकते हो। आप यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर उसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप यहाँ पर
उसको डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो और उसका आपका आराम से हो जाएगा। फिर उसका आप यहाँ पर से आपका एक जंप कट होगा और आपको यहाँ पर एक और मुझे स्प्लिट करना है, तो अब यहाँ पर हमारी वीडियो एंड हो गई है। तो यहाँ पर मैं इस पे यहाँ पर लगा दूंगा एक स्प्लिट और यहाँ पर इसको कर दूंगा डिलीट और यहाँ पर हम कर देंगे एक फेड आउट। तो यहाँ पर आप इसमें जाएंगे ऑडियो के सेटिंग्स में कुछ इस तरह, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर फेड आउट में जा सकते हैं। 2 सेकंड मैंने कर दिया और फेड इन भी आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी जो एंड पे होगी आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी अच्छे से कम होगी और काफ़ी अच्छा लगने वाला है वो। तो यहाँ पर मैं आप वीडियो में भी आप ऐड कर सकते हो फेड आउट, तो मैंने इसे ऐड कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो यहाँ पर एंड हो गई है और अब आप इस पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहाँ पर एडिट हो गई है, तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट बाद में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप इस पर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसमें जो इतने सारे इफेक्ट्स हैं वो सब ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम नहीं है दोस्तों, यूट्यूब है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को सिंपल ही रखो तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप चाहो तो ये सब इफेक्ट्स वगैरह हैं जो है ऐड कर सकते हो, पर मैं सब नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ थोड़ी मोड़ी एडिटिंग करना, अगर आप चाहो तो कलर फिल्टर्स वगैरह में आप जा सकते हो, लेकिन ये कलर फिल्टर्स बहुत ही बेकार लगते हैं मुझे। और लाइट एडजस्टमेंट में आप चाहो तो जा सकते हो, अगर आपको कुछ एडिट करना हो, जैसे आपको मिरर करना हो वगैरह वगैरह करना हो तो आप कर सकते हो। उससे बेहतर मैं आपको कहूँगा आप इसमें जाओ क्लिप प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर आप जाओ इसमें आप कलर एडजस्टमेंट में जाओ, एडिट कर सकते हो। या फिर आप मैनुअल एडजस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हो। जैसे वीडियो काली है तो आप ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दो, ब्राइट हो जाएगी आपकी वीडियो। देखिए आप इसे देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हो उसके साथ साथ, और आप टेम्परेचर यानी कलर बैलेंस वगैरह आप चेंज कर सकते हो, सॉरी कलर बैलेंस नहीं कहेंगे वाइट बैलेंस आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको स्टेबलाइज कर सकते हो वीडियो। और यहाँ पर सबसे कमाल का जो चीज़ लगी है वो है पैन एंड जूम की, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पैन और जूम अप्लाई करके इफेक्ट। तो मैं यहाँ पर इसे जूम इन करना है या जूम आउट करना है, जूम आउट करना है तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड पे क्लिक फंक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर इसके जूम आउट ये है और जूम इन आपका ये जो आप ये है, यहाँ पर आप गए आपने इसको सेलेक्ट किया आपने इसको की फ्रेम को सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर से छोटा कर दिया। और यहाँ पर जब आपके पास अगर कोई इसे ऑप्शन ना हो वीडियो एडिट करने के लिए तो आपके लिए बहुत ही कमाल का हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर इसको प्ले करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी कमाल का लगेगा, इस तरह से जूम आउट होगा तो इस तरह से आप काफ़ी कमाल का लगने वाला है। और अब हम जाते हैं यहाँ ट्रांजिशन में, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ काफ़ी कमाल के ट्रांजिशन है, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा आप सिंपल ट्रांजिशन रखो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, अच्छे ट्रांजिशन जो हैं सिंपल रखो और वीडियो को बहुत ख़राब ना करो, लगता है कि वीडियो प्रोफेशनल नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा तो इसे फेड्स वगैरह आप यूज़ करो कुछ इस तरह से, ये ट्रांजिशन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा मैं पुश ट्रांजिशन कभी कभी यूज़ करता हूँ, जैसे अपने मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार आपने देखा होगा पुश ट्रांजिशन वगैरह कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हो इस तरह के ट्रांजिशन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जूम ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा है लेंस फॉर्म सेंटर या फिर जूम करते हुए। अब यहाँ पर सबसे कमाल का मुझे लगता है टाइटल। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, हम टाइटल अच्छे नहीं बना पाते हैं और काफ़ी अच्छे नहीं लगते, प्रोफेशनल नहीं लगते। यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल के आपको प्रीसेट्स मिलते हैं जिससे जो कि आप अपने वीडियोज़ पे अप्लाई कर सकते हो, अपने वीडियोज़ को प्रोफेशनल लुकिंग बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ये एक टाइटल, तो यहाँ पर एक तो कमाल का नहीं था, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे टाइटल्स आ गए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑल पे आप जाइए तो आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, वो जो अच्छे लगे आप यूज़ कर सकते हो। मुझे काफ़ी यहाँ पे काफ़ी कमाल के लगे और मुझे जो टाइटल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं तो मैं इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, कि बहुत ही जल्दी हो जाता है इसमें सारा काम, इसलिए मुझे एप्लीकेशन काफ़ी पसंद है ये। बाकी प्रोफेशनल एडिटिंग तो नहीं होती इसमें, बट हाँ अगर आपको जल्दी चाहिए और बहुत ही आसानी से करना है तो मुझे ये एप्लीकेशन काफ़ी कमाल की लगती है। अब मैं यहाँ पर ये आप यूज़ करूँगा
तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दूंगा अनबॉक्सिंग न्यू ईयर BM जो भी इसका नाम है, मुझे नाम तो नहीं याद है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब आपका कुछ इस तरह से बॉक्सिंग न्यू ईयर BM जो भी इसका मॉडल नेम है, नहीं याद है माइक्रोफोन का NWS। डबल क्लिक आप करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और भी इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि बैलेंस हो जाए, और यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, सेटिंग्स में आप जाएंगे कलर में, हाँ इसमें जाएंगे आप कलर पिकर टूल में, और आप यहाँ पर इसको ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर इसको वाइट करने वाला हूँ, वाइट सही रहेगा। और अब ये हमारा हो गया। आप टेक्स्ट वगैरह भी कभी कलर चेंज कर सकते हो आप चाहो तो। और टेक्स्ट का कलर ये है, आउटलाइन का कलर ग्रे कर दिया मैंने, और ये हो गया टेक्स्ट का कलर आपका। टेक्स्ट का कलर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, और सिर्फ आप चाहो हर कलर का टेक्स्ट अलग कर सकते हो कुछ इस तरह से, और आपका कुछ इस तरह से बन गया आपका टाइटल। तो आप यहाँ पर काफ़ी प्रोफेशनल लुकिंग टाइटल्स बना सकते हो, तो आपके वीडियो पे काफ़ी अच्छे लगेंगे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके टाइटल्स। तो ये रहा हमारा वीडियो, इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला, सिंपल से अनबॉक्सिंग है। और आप यहाँ पे स्टिकर्स लगा सकते हो, लेकिन यहाँ मैं जो स्टिकर्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई यूट्यूब वीडियोज़ बनाने हैं तो आप जस्ट कीप इट सिंपल, आप अपने वीडियोज़ यूट्यूब वीडियोज़ को सिंपल रखो। तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, बट मैं यूज़ नहीं करने वाला। अब आप बताते हैं आपका कुछ यहाँ पर कॉल आउट फीचर है, जो कि आप यूट्यूबर्स लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हो तो ये कॉल आउट फीचर बहुत ही कमाल का है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मुझे ये यूज़ करना है यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रखा, और ये इसको मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, और इसको मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप और भी आप लगा सकते हो, एरोज वगैरह यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर अब हम आते हैं पैन एंड जूम में। पैन एंड जूम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पैन एंड जूम के बारे में। तो आप यहाँ पर पहले वीडियो सेलेक्ट करिए, और आप यहाँ पर ऐड करके पैन एंड जूम कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं स्टेबलाइजेशन में। तो यहाँ पर अगर आपकी वीडियो हिल रही है, स्टेबलाइज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर शॉट को आप स्टेबलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो दिखाएगा, अब जैसे ये हिल रहा है, तो वीडियो तो पहले से स्टेबल है ही, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले स्टेबल आपको दिखाता हूँ। वैसे ये सिर्फ माइक हिल रहा है, वीडियो स्टेबल है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा देख, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो माइक था ये काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा था, और इसने काफ़ी मतलब स्टेबल करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर अगर आपका वीडियो मूव कर रहा होगा तो वो आपका मूव करते मतलब कम ज़्यादा मूव करेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी थोड़ा सा देखने लायक हो जाएगा। जैसे देखते माइक पहले काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, तो अभी थोड़ा स्मूथ हो गया है। तो आप इस इन सेटिंग्स के साथ आप खेल सकते हो अगर आप चाहो तो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर आप जाकर आप चेक कर सकते हो सेटिंग्स के साथ आप प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आते हैं हम यहाँ पर आपके और ऑप्शंस में, जैसे आपके है हाईलाइट एंड कंसील। हाईलाइट एंड कंसील जो आपका है, ये आपका है मास्किंग का ऑप्शन। तो आप जैसे किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हो, मान लो आप कुछ इस तरह से हाइड करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो आप हाईलाइट एंड कंसील का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे ब्लैक है तो उसे ब्लैक ही होगा, और कंसील है तो आप कंसील कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंसील ऑप्शन जो नहीं यूज़ करना, तो मैं यहाँ पर इसको, तो अब हम आते हैं और ऑप्शन में, जैसे क्रोमा की। तो क्रोमा की अगर आप ग्रीन स्क्रीन करना चाहते हो, आप बैकग्राउंड को वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो, आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि हमारी ये वीडियो रही है, अब मुझे इस पर ग्रीन स्क्रीनिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पहले कलर सेलेक्ट करूँगा मैं, ये इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है, और अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ कितने कमाल से, कितने आसानी से हमारी ग्रीन स्क्रीनिंग हो गई है, और जो बैकग्राउंड होगा काफ़ी अच्छा रिमूव हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक वीडियो के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ, ताकि आप देख सको कि वीडियो के ऊपर भी आपका अप्लाई हो जाता है। तो देखो जैसे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिखा रहा है, आपका जी चल रहा है, और काफ़ी अच्छे से आपकी ग्रीन स्क्रीनिंग हुई। अगर आपकी लाइटिंग वगैरह अच्छी होगी तो बहुत ही कमाल की ग्रीन स्क्रीनिंग होगी। तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा,
तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा। तो ये हुआ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और डबल क्लिक आप वह फुटेज को करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर आप इसको बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हैं, साइड बाई साइड कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दो पैसे कंपेरिजन कर सकते हैं और आप चाहो पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हैं। जैसे जो भी मेरा है ऑप्शन, मेरा जो है क्रोमा में यूज़ करता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड चल रहा है और हमारे यहाँ पर आगे फोरग्राउंड चल रही है। तो यहाँ पर आप इसकी वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हो, स्पीड वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, वगैरह वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारा ग्रीन स्क्रीनिंग का भी हो गया। तो यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीनिंग है और मैं अगर इसको हटा दूँगा तो ये देखिए फिर से ये ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी। ये देखिए, वीडियो एडिट होने के बाद आपको एक्सपोर्ट कैसे करना होगा, चलिए वो जानते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ नीचे जाना होगा, नीचे एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको यहाँ पर कई तरह के और ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस फाइल में तब्दील करना है। आपको वीडियो बनाना है, म्यूज़िक बनाना है, या फिर आपको अपने मोबाइल में चलाना है, या आपको आपके टीवी में चलाना है, या फिर आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है मोवावी, वो आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर भी अपलोड करने की फैसिलिटी, मतलब फंक्शन देता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बस यहाँ साइन इन पर जाना होगा और अपनी जो यूट्यूब आईडी है, यूट्यूब अपनी जीमेल आईडी है, वो खोलनी होगी। यूट्यूब चैनल को अपना ओपन करना होगा। यहाँ पर टाइटल वगैरह, टैग्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ मैं यहीं से ही डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा काम बच जाता है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है एक ही एप्लीकेशन में। आप कैटेगरी वगैरह सब कुछ चूज़ कर सकते हो और आपको यहाँ नीचे फाइल का साइज़ भी दिखाएगा कि जो आपकी फाइल अपलोड होने वाली है उसका साइज़ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको दूसरी फाइल बनाने वाला हूँ। आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो यहाँ अपलोड करने पर क्लिक करके, और आपका जो वीडियो अपलोड हो जाएगा बस आप मेक श्योर कर लो कि आपने साइन इन कर लिया है। फिर मैं यहाँ पर देखिए MP4H.264 फॉर्मेट पे करके गुड क्वालिटी पे बस करके अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर आप एडवांस में जाके और क्वालिटी चेंज भी कर सकते हो। तो मुझे नहीं करनी, फुल एचडी रखनी है और मैं इसको कर दूंगा 60। अगर आप चाहते हो दूसरे फॉर्मेट में रखना तो आप फॉर्मेट भी यहाँ चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत तरह के फॉर्मेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नहीं कि आप एक फॉर्मेट में चिपके हुए हो, आपको कई तरह के फॉर्मेट्स मिलते हैं और आप उन पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है और आप अगर उसका फाइनल देखना चाहते हैं, फाइनल वीडियो, तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में जाकर उस वीडियो को, और इस जो मैंने फाइनल एडिट करी है उसको आप देख सकते हो। बाकी जो मैंने ऑटोमेटिकली ईजी मोड में जो करी थी वो भी आपने पहले देखी है, वो भी अच्छी थी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, हमारे चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कर दिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दिएगा टैप ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो ना मिस करें और सबसे पहले देखें। तो मैं अदनान खान ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।